दोस्तों सांख्यिकी में मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम पढ़ रहे थे, अब किरण या बिखराव की माप, जिसमें रेंज और मीन डेविएशन अर्थात माध्य विचलन हमने निकालना सीखा था। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन, मानक विचलन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानक विचलन तीनों सीरीज में निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत सीरीज में देखेंगे। ये सीरीज दी है, इंडिविजुअल सीरीज, एक्स दिया हुआ है, वैल्यूज 5 वैल्यूज दी हैं, 5, 10, 15, 25 और 20 और 25। तो इंडिविजुअल सीरीज का सूत्र होता है, इसमें अगर मानक विचलन निकालना हो तो मानक विचलन का सूत्र होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको मानक विचलन निकालने के लिए क्या चाहिए? यहाँ एक्स दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या चाहिए? सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, अर्थात हमको पहले एक्स स्क्वायर निकालना होगा। इसके लिए एक हम सीरीज इसको बढ़ा देंगे, कॉलम बढ़ा देंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो सबका एक्स का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400, 25 का स्क्वायर 625। तो इस एक्स स्क्वायर को सभी वैल्यूज को जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, 1375 हो गया। ठीक है ना, और सिग्मा एक्स कितना है यहाँ पे? 75 है। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? सिग्मा एक्स अपान एन क्या होता है? माध्य होता है, समांतर माध्य होता है। तो सिग्मा एक्स अपान एन ज्ञात कर लेंगे, तो एक्स बार अर्थात समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा 15। ठीक है ना, ये निकालना आपको सिखा दिया था हमने। सिग्मा एक्स अपान एन ये क्या हो जाएगा? एक्स बार अर्थात समांतर माध्य। ठीक, इसको डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो अब हमको मिल गया एक्स स्क्वायर, तो हम सूत्र में रख देंगे। क्या सूत्र है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना था? 1375 अपान एन 5 माइनस सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स कितना था? 75 अपान एन कितना था? 5 का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट 15 का होल स्क्वायर कर सकते थे। तो 275 माइनस 225 अंडर रूट 50, इसको सॉल्व करेंगे 5√2, यही आपका मानक विचलन आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया? 5√2। अब मानक विचलन गुणांक के लिए क्या करेंगे? मानक विचलन में भाग कर देंगे माध्य का, मानक विचलन में माध्य का भाग कर देंगे तो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो 5√2/15 अर्थात √2/3, ये मानक विचलन गुणांक ज्ञात हो जाएगा। अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए, असतत श्रेणी के लिए मानक विचलन कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र देख लीजिए। तो असतत श्रेणी के लिए मानक विचलन का सूत्र है अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपान सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो ये भी आप देख रहे हैं समांतर माध्य है, डिस्क्रीट सीरीज में जैसे हम निकालते हैं समांतर माध्य, उसका होल स्क्वायर है। आपको निकालना क्या क्या है? एक्स स्क्वायर आपको ज्ञात होना चाहिए, सिग्मा एफ ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, अर्थात एफ का गुणित एक्स का स्क्वायर आपको ज्ञात होगा। सब एक कॉलम बनाएंगे आप, एफ और एक्स का होल स्क्वायर के गुणा का एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम बनेगा एफ का। ठीक है ना, और कोई दूसरी चीज और एक एफ एक्स का कॉलम बनेगा, ये एफ एक्स है ना, तो एक एफ एक्स का कॉलम बनेगा। और एच डी गुणांक अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन गुणांक, वही सूत्र एच डी अपान स्टैंडर्ड डिविएशन अपान समांतर माध्य। तो आइए देखते हैं, ये एक सीरीज दी हुई है। प्रश्न में आपको देखिए इतना ही दिया रहेगा, केवल इतना ही दिया रहेगा। ये सब कॉलम आपको अलग से बढ़ाने पड़ेंगे इतने। ठीक, इतना ही दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये सीरीज है, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। ठीक, तो उसके लिए सूत्र के अनुसार आप पहले एफ एक्स निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, और एक्स स्क्वायर में एफ का गुणा करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर ज्ञात होगा।
इन सबको ऐड कर लेंगे तब आपको उस सूत्र में पुटअप करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं क्या किया गया है इसमें। एक्स दिया गया है, एफ दिया हुआ है, तो इन दोनों का गुणा एफ एक्स अर्थात 4 गुणते 2 4 गुणे 2 8 हो गया, 6 में 8 का गुणा 48, 2 10 दूना 20, 14 91 14, तो एफ एक्स निकल आया। इसके अलावा आपको एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, 14 का स्क्वायर 196, है ना, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब आपको एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एफ का गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर में, तो 4 का गुणा 4 में 16, 8 का गुणा 36 में कितना हुआ 288, 10 का गुणा 8 का गुणा 36 में 288, और 2 का गुणा 100 में 200, 1 का गुणा 196 में तो 196। तो इस तरह से आपका एफ इंटू एक्स स्क्वायर निकल आया, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आपको चाहिए नहीं, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका, और ये सिग्मा एफ आ गया। अब ये सारी चीज़ें जब आ गई तो आपको सूत्र में पुटअप करने में बहुत आसानी होगी। तो आइए पुटअप करिए, देखिए दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपान सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए, तो वैल्यू को पुट अप करिए, एफ एक्स स्क्वायर कितना था 700 आया था, तो 700 अपान सिग्मा एफ कितना आया था 15 आया था, है ना, सिग्मा एफ 15 था। फिर माइनस सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ अर्थात 90 अपान 15 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका √10.6 या √32/3, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आ गया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन गुणांक ज्ञात कर लेंगे, √10.6/6। एक्स बार ज्ञात करने के लिए आपको बताया था हमने सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ अर्थात 19/15 = 6। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन गुणांक आ जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूअस सीरीज में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, जैसा कि हमने मेन डिवीजन में आपको बताया था। सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे जो एक्स कहलाएगा। अब उस वर्ग अंतराल को भूल जाइए, और जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में हल किया था उसी फॉर्मूले से मानक विचलन भी इसमें भी ज्ञात कर लेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने मेन डिवीजन में करवाया हुआ है उसी विधि से। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो कंटिन्यूस सीरीज दी रहेगी कोई भी, तो वर्ग अंतराल जो रहेगा, जो दिया रहेगा, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। जैसे 0 से 10 दिया है, तो 10 धन 0/2 अर्थात 5 हुआ उसका मध्य बिंदु, तो ये आपका एक्स आ जाएगा। तो इस तरह एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो टोटल जैसा आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया, एक्स और एफ दिया हुआ था डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक उसी तरह आपको उसी सूत्र से, इसी सूत्र से ही मानक विचलन कंटिन्यूस सीरीज में भी ज्ञात करना है। ये हम थ्योरी बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं अभी। क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा मानक विचलन। अब हम अगले चैप्टर में, जो लास्ट इस अध्याय का लास्ट चैप्टर है, क्वार्टाइल डेविएशन अर्थात चतुर्थक विचलन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।